कोर ही ब्रांच नहीं जो आपको दिख रहा हो, चाहे सीएस की बात करूं या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की बात करूं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे ब्रांचें आने लगे जिस जो बहुत इमर्जिंग है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नई नई इमर्जिंग फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है और गेट भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो दोस्तों यार, सबसे पहले तो यार जब आप गेट क्रैक करते हो ना, तो कोई एक फील्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे फील्ड में हैं जिसमें आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हो। चाहे डायरेक्ट ब्रांच बोलूँ जिसके अंदर बहुत फेमस है, बट कुछ ऐसे भी ब्रांच है जिसमें गेट के थ्रू आप ऑप्ट कर सकते हो उस ब्रांच को, वो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, वो उसका अच्छा खासा स्कोप रहता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इंडस्ट्री के हिसाब से, एक रिलायबल मैनेजमेंट का एक है IIT खड़गपुर के अंदर। बहुत सारे बच्चे रिलायबल मैनेजमेंट नहीं लेते, उनको लगता है कि यार ये क्या है, ये तो अच्छा ब्रांच नहीं है। पर जो लेते हैं, जिनको पता है, हर एक सर फॉरेन में कंपनी के पास इसकी वैकेंसी होती है, कंपनी की रिलायबल जो भी प्रोडक्ट होती है उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी होती है, और ये अच्छी खासी डिमांडिंग फील्ड है बाहर के जो फॉरेन की जो कंपनीज होती है उसके लिए। इसका मतलब खाली कोर ही ब्रांच नहीं जो आपको दिख रहा हो, चाहे सीएस की बात करूं या फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल की बात करूं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे ब्रांचें आने लगे जिस जो बहुत इमर्जिंग है। अभी लेटेस्ट की अगर बात करूं तो DA जो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का बहुत ही तगड़ा स्कोप आने वाला है दोस्तों। तो गेट टेस्ट, टेक्निकल राइट, ये सब तो पता ही है सबको यार, स्पेसिफाइड डिसिप्लिन, बट फील्ड ऑफ द वास्ट एंड राइट इवॉल्विंग। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नई नई इमर्जिंग फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है और गेट भी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। इसी वजह से जो भी नई चीज़ें या फ्यूचरिस्टिक चीज़ होती है उसको वो ऑप्ट करता है, चाहे मैं नैनो टेक्नोलॉजी की बात करूं या डेटा साइंस की बात करूं, राइट। इसके अलावा दोस्तों आप अपने स्किल के हिसाब से या अपने नॉलेज के हिसाब से अपने फील्ड को चूज कर सकते हो अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है तो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मैकेनिकल से, पर आपको चाहिए कि नहीं मुझे डेटा साइंस में आपको करना है, तो आप MTech के लिए डेटा साइंस आप चूज कर सकते हो, बट वहां पर पहुंचने के लिए आपके पास अगेन गेट का स्कोर कार्ड चाहिए होगा। तो अगर आप अच्छा खासा, अगर आपके पास क्या कहते हैं, अगर अपने आपको एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको गेट एग्जाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकेंड अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे सेकेंड ऑप्शन है देखिए MTech MS आप ऑप्ट कर सकते हो अगर किसी IITs के अंदर, अगर आपको MTech करना हो या MS करना हो या फिर MTech प्लस PhD इंटीग्रेटेड आपको प्रोग्राम करना है, तो आपको गेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है, गेट क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों एक है फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एट IIMs, ये एक अच्छा खासा माना जाता है, ये इक्वलेंट टू PhD है। यहाँ पर 32,000 की स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और बट यहाँ पर पहुँचने के लिए कैट नहीं है, यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको गेट का स्कोर कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यहाँ पहुँच सकते हो। एक नीति मुंबई, हालांकि अभी तक तो चलिए गेट के थ्रू ही है, आने वाले टाइम में भी चल रहा है कि ये IIM में कन्वर्ट हो जाएगा और कैट के थ्रू लिया जाएगा, बट यहाँ पर अभी तक की अगर बात की जाए तो गेट के थ्रू होते हैं और बहुत अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब है अगर मैं PGDM नीति मुंबई की बात करूँ। बिल्कुल सिंगल डिजिट रैंक जाते हैं, और हालांकि बहुत सारे ऐसे ही कि सर, एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया था, उसने बताया था कि उसकी 1800 के आसपास रैंक आई थी, वो फॉर्म भर ही नहीं रहा था, किसी दोस्त ने बोला भाई भर दे, पर उसका हो गया। हाँ, तो ऐसा भी होता है बोला, ये बच्चों को ना एक्चुअली ये डाउट होता है, तो वो डाउट क्लियर करने के लिए ही हम ये सेशन लेते हैं। जैसा कि सर अभी आपने बताया था कि उसकी 1800 रैंक आई और फिर उसको YouTube पे इंटरव्यू भी पढ़ा होगा उसका सर, नीति मुंबई मिल गया, तो ये वही चीज होती है कि यार अगर किसी एक बच्चा भी अगर रह जाता है तो हमें वो साल भर दुख होता है कि यार इतनी अच्छी रैंक थी या इस तरीके से थोड़ा सा गाइड करते थे तो फिर हमको ऐसा होता था कि हम इसको कहीं ना कहीं पर सेट करा सकते थे, कहीं ना कहीं किसी IITs में MS कर रहा होता या MTech कर रहा होता या नीटी मुंबई में चला गया होता, तो हम बस वही उस बच्चे को ढूंढ रहे कि भाई कोई भी ऐसे छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसे बिखरना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, आप पढ़ो, हम आपको कहीं ना कहीं पर सेट करा देंगे।